हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस के हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज इसका ये लास्ट लेक्चर है। इसमें आपको सारी जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थी, जिस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, सारी टाइप की प्रॉब्लम्स को मैंने हल करना सिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए एक प्रॉब्लम है, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें ये सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, जो इक्वेशन नंबर वन दिया होता है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो ए इक्वल टू कोफिशेंट मैट्रिक्स 1 1 1 1, 2 -1 1 -2 3 2 -1 -1, राइट स्टूडेंट्स। एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, चार वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। वी की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, कोफिस कॉलमन मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट। अब हम इसके साथ में क्या निकालते हैं, ऑगुमेंटल मैट्रिक्स। ऑगुमेंटल मैट्रिक्स सी इक्वल टू ए रेशियो वी, राइट स्टूडेंट। तो सी की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स यहां से 1 1 1 1, 2 -1 1 -2 3 2 -1 -1, रेशियो 1 2 3। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेलन फॉर्म में जब हम इस किसी कंडीशन को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि हमें पहले इन दोनों को जीरो बनाना है। इसमें ऑपरेशन हमेशा रो में लगता है। तो यहाँ पे हम आर टू की बात करें तो आर टू माइनस टू आर वन, आर थ्री माइनस थ्री आर वन। स्टूडेंट्स देखिए, सी के लिए यहाँ से पहली रो तो ऐसी रहेगी 1 1 1 1 रेशियो 1। इसके देखिए इसमें से घटाएंगे, ये जीरो हो जाएगा। ये है माइनस का 1 और ये है माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। स्टूडेंट्स ये है 1 और इसके ये प्लस का 1 है और ये हो जाएगा माइनस का 2। कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 1। लास्ट स्टूडेंट्स ये माइनस का 2 है और यहाँ पर भी हम माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4। ये है 2 और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसमें से इसको हम जैसे ही घटाएंगे ये जीरो हो जाएगा। ये 2 है और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 3, राइट स्टूडेंट। तो कितना बचेगा, माइनस का 1। स्टूडेंट्स ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 4। माइनस का 1 है स्टूडेंट्स, ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4। ये 3 है, इस 3 से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 0, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए, हम इसमें ऑपरेशन तो लगा सकते हैं जीरो बनाने के लिए, क्यों, हमें फिर जैसा करना पड़ेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम इजी बनाने के लिए एक स्टेप तो हमारा बढ़ जाएगा लेकिन इजी हो जाएगा, तो हम लोग आर टू इंटरचेंज आर थ्री कर दें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो 0 -1 -4 -4 0, 0 -3 -1 -4 0। स्टूडेंट्स अब हम एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं इसी में, -1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, आर टू रिप्लेस माइनस आर टू, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो बन जाएगी कंडीशन वो ये हो जाएगी 1 1 1 1 रेशियो 1, 0 1 4 4 रेशियो 0, 0 -3 -1 -4 रेशियो 0। अब इसमें हम एक ऑपरेशन लगा दें, कौन सा, इसे हमें जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए जो हमारा ऑपरेशन लगेगा वो क्या होगा, इसे जीरो बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगा दें R3 रिप्लेस R3 प्लस 3 R2, राइट स्टूडेंट्स। प्लस दोनों को करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो C के लिए जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास स्टूडेंट्स वो क्या होगी, 1 1 1 1 रेशियो 1, 0 1 4 4 0। इसके साथ देखिए 0, ये माइनस का 3 प्लस का 3 0, माइनस का 1, राइट स्टूडेंट्स, माइनस का 1 प्लस का 12 11, माइनस का 4 प्लस का 12 इतना बचेगा 8,
जीरो। राइट स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अब या तो हम इसको भी वन बना लें, राइट। अगर हम इसे वन बना लेंगे तो क्या है, ये वन 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 बन जाएगा। अगर नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें अब इसके नीचे की सारी टर्म्स जीरो हो गई, एक ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज सेलन फॉर्म, राइट स्टूडेंट्स। जैसे हम देख रहे हैं ये एक सेलन फॉर्म में है, तो यहाँ से देखिए ई सी इक्वल टू, ई सी की अगर हम लोग बात करें, राइट स्टूडेंट्स, ई सी की बात करें तो इसमें एक दो तीन, तीनों नॉन जीरो रो हैं, तो इसकी जो रैंक हो जाएगी वो थ्री हो जाएगी। और ई ए की रैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसको हटा दीजिए, तब भी ये तीनों रो नॉन जीरो हैं, इसकी रैंक भी थ्री हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज ई सी इक्वल टू ई ए इक्वल टू थ्री लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो चार हैं, रैंक है थ्री। तो दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफिनिटी सॉल्यूशन। इसे इक्वेशन नंबर मैं ए मान लेता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर ए है उसमें बैक सब्सिट्यूशन लगा देते हैं, बाई बैक सब्सिट्यूशन। बैक सब्सिट्यूशन जैसे इस्तेमाल करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इन ए w इक्वल टू वन। नेक्स्ट x की वैल्यू जीरो है तो y प्लस फोर जेड प्लस फोर डब्लू इक्वल टू जीरो। इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे दें, टू दे दें, इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे दें। देखिए x की वैल्यू जीरो, y की जीरो, तो इलेवन जेड प्लस एट डब्लू इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फोर। स्टूडेंट्स देखिए, या तो हम w के लिए कुछ मान दें या z के लिए, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट w एक के, के एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो हमने अपनी तरफ से माना है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर से देखिए तो इलेवन जेड इक्वल टू माइनस का एट के, तो जेड इक्वल टू माइनस एट अपॉन इलेवन के, राइट स्टूडेंट्स। अब हमें जेड की वैल्यू मिल गई, डब्लू की मिल गई, हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री से y प्लस फोर इंटू माइनस एट अपॉन इलेवन के प्लस फोर के इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस थर्टी टू अपॉन इलेवन के प्लस फोर के इक्वल टू जीरो। और सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल वाई माइनस ये हो जाएगा 44 ट्वेल्व अपॉन इलेवन के इक्वल टू जीरो। वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 अपॉन इलेवन के, राइट स्टूडेंट्स। जो हमें y की वैल्यू मिल गई है वो हो गई है माइनस का 11 के। नेक्स्ट अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से देखिए x, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस y की वैल्यू है माइनस 12 अपॉन 11 के, z की वैल्यू है माइनस 8 अपॉन 11 के, w की वैल्यू है w इज k इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x माइनस का 20 अपॉन 11 के प्लस के इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1। इन दोनों को हेल्प सॉल्व करेंगे, माइनस का 9 तो प्लस का 9 अपॉन 11 के, राइट स्टूडेंट्स। जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 1 प्लस 9 अपॉन 11 के।
राइट स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमने देखी एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली, वाई की वैल्यू भी, जेड की और डब्ल्यू की, इन सभी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर ये सही है तो हम इन सभी वैल्यू को उठाकर जो हमारी इक्वेशन 1, 2, 3 यानी कि जो हमने पहली इक्वेशन नंबर 1 माना था उसमें से किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा, या इन किसी इक्वेशन में रखेंगे तो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये हमारे जो क्वेश्चन किया गया है वो सही है। राइट स्टूडेंट्स, अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे ग्रुप व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।